ये रही मेरी एक साल पहले की फोटो और ये है कुछ दिन पहले की फोटो। तो आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ मेरा पूरा फुल रूटीन जिसकी वजह से मैं ये ट्रांजिशन कर पाया। बट बिफोर दैट, अगर आप एक नए व्यूअर हैं देन मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे पेज को सपोर्ट करें। और अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट वीडियो जो पुश डे पे था वो नहीं देखा देन मेक श्योर आप इस लिंक से जाके उसको देखें आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अब बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, ये वर्कआउट इंटरमीडिएट या एडवांस एथलीट्स के लिए है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये पर्टिकुलर वर्कआउट एंड ये वर्कआउट स्प्लिट जो पुश पुल लेग्स होता है आपके लिए नहीं है। आपके लिए एक फुल बॉडी वर्कआउट ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप अपने हिसाब से एक वर्कआउट प्लान बनाना चाहते हैं तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें एंड उधर मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरे पूरे पुल वर्कआउट के अंदर सिर्फ 5 एक्सरसाइजेस हैं। आपको 1000 एक्सरसाइजेस 50 डिफरेंट एंगल्स पे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड अगर आप ये 5 एक्सरसाइजेस अच्छे से परफॉर्म करते हैं, पूरे अपने आप को पुश करके परफॉर्म करते हैं, तो आपको दोनों बैक की विड्थ एंड थिकनेस में इंप्रूवमेंट मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट एक्सरसाइज। और ये जो एक्सरसाइज है ये डेफिनेटली एक गेम चेंजर था मेरे पूरे पुल रूटीन के अंदर। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज मैं महीनों से करता आ रहा हूँ, बस इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करके। एंड दिस इज नन अदर देन द वेटेड पुल अप। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के मैं टोटल 5 सेट्स करता हूँ, जिसमें से फर्स्ट सेट मेरा वार्म अप सेट होता है। बेसिकली बॉडी वेट से मैं पुल अप्स करता हूँ अराउंड 10 to 12। मेरा फर्स्ट वर्किंग सेट होता है वो स्टार्ट होता है व्हेन आई ऐड 10 केजीज मोर टू माय बॉडी। उसके बाद मैं 2 सेट्स और करता हूँ विद 15 केजीज। एंड जो मेरा लास्ट सेट होता है वो एक ड्रॉप सेट होता है जिसमें मैं 20 केजी से स्टार्ट करता हूँ। इसकी जो मिनिमम रेप रेंज होती है वो 8 होती है एंड अप टू 12 तक मैं इसमें रेपिटेशंस करता हूँ। इस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 2 सेट्स होते हैं उनको मैं क्लोज टू फेलियर ट्रेन करता हूँ एंड जो एंड के 2 सेट्स होते हैं उनको मैं पूरा फेलियर तक ट्रेन करता हूँ। इनफैक्ट मेरे लास्ट सेट में अगर मैं और बॉडी वेट पुलअप्स नहीं कर सकता तो मैं जो लैट पुल डाउन मशीन होती है उस पर एक लाइट वेट चूज करके अपने मसल्स को कम्प्लीटली एग्जॉस्ट करता हूँ। अब इस पूरी एक्सरसाइज में मेक श्योर आप कुछ चीजों का ध्यान रखें। मेक श्योर कि जब आप ऊपर जाएं या जो इसका कंसेंट्रिक पोर्शन होता है उसको आप एक्सप्लोसिवली परफॉर्म करें। जब आप नीचे आते हैं तो आपको वेट को अच्छे से कंट्रोल करना है। अगर आप वेट कंट्रोल नहीं कर सकते दैट मींस जो आपने वेट लिया है वो बहुत हैवी है एंड उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज में या फिर किसी भी एक्सरसाइज में आपको पार्शियल रेप्स परफॉर्म नहीं करने, बिकॉज ये एक्सरसाइज काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाती है, एकदम टायरिंग हो जाती है। तो मैं हर सेट के बीच में एटलीस्ट 2.5 to 3 मिनट्स का ब्रेक लेता ही लेता हूँ। इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि आपकी बैक की पोजीशन कैसी होनी चाहिए ड्यूरिंग पुलअप्स देन आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वन। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड एक्सरसाइज व्हिच इज बॉडी रोल्स। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज में जिमनास्टिक रिंग्स पे करता हूँ एक डिक्लाइन पोजिशन में। आप चाहते हैं तो स्मिथ मशीन पे एक हॉरिजॉन्टल बार पे भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है अगर आप एक थिक बैक चाहते हैं। इस एक्सरसाइज की डिफिकल्टी इंक्रीज करना एंड डिक्रीज करना बहुत ही सिंपल है। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो सिंपली अपना इंक्लिनेशन को कम कर दीजिए, विच मीन्स ग्राउंड के थोड़ा और पास आइए। और अगर आप इसको ईजी करना चाहते हैं तो इंक्लिनेशन को सिंपली बढ़ा दीजिए कुछ स्टेप्स पीछे लेके, विच मीन्स ये एक्सरसाइज किसी के भी लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट की जा सकती है। इसके भी मैं टोटल 4 सेट्स करता हूँ, जिसमें से पहले के 2 सेट मैं क्लोज टू फेलियर ट्रेन करता हूँ एंड आखिरी के 2 सेट टू फेलियर। जब मैं इस डिक्लाइन पोजिशन में और एक रैप नहीं कर पाता तो मैं अपने पैर जमीन पे रखता हूँ और फिर कुछ रैप्स परफॉर्म करता हूँ। एंड जब वो भी नहीं कर पाता तो मैं इंक्लिनेशन और कम करता हूँ एंड जितने रेपिटेशन हो सके उतने परफॉर्म करने की ट्राई करता हूँ। मेक श्योर कि थ्रू आउट द मूवमेंट आप अपनी बैक को बिल्कुल भी सिंक नहीं करें। ऑल्सो जो आपकी रिस्ट की पोजिशन है वो आप एक न्यूट्रल ग्रिप या फिर एक फॉल्स ग्रिप भी रख सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपके बाइसेप्स, आपके बैक जो मिड बैक वाले एरिया होता है जैसे रोम्बॉइड्स, उन सबको टारगेट करती है। अगर आप इस एक्सरसाइज में अपने लैट्स का एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने आर्म्स को अपनी वेस्ट के पास पुल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स योर लोअर चेस्ट। ऑल्सो ये एक्सरसाइज भी एक कॉम्पाउंड मूवमेंट है एंड काफी एग्जॉस्टिंग हो जाता है, तो इसके अंदर भी मैं हर सेट के बीच में 2 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एक्सरसाइज। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज स्पेसिफिकली आपके लैट्स के एंगेजमेंट को इंक्रीज करने के लिए है। दिस एक्सरसाइज इज टग फ्रंट लेवर रेजेस। अब ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज सिंपली एक लैट पुलओवर का कैलिस्थेनिक बेस्ड वर्जन है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक टग्ड पोजीशन में रहना है एंड आपके आर्म्स को एकदम स्ट्रेट रखना है और अपने आप को ऊपर खींचना है ओनली थ्रू द फोर्स ऑफ लैट्स। मेक श्योर आप ऊपर जाके एक हॉरिजॉन्टल पोजिशन को मेंटेन करें एंड उधर थोड़ी सी देर होल्ड करें एंड नीचे एकदम कंट्रोल्ड तरीके से आए। मैं खुद इसके 3 सेट्स करता हूँ एंड बिटवीन 6 to 8 रेप्स रखने की कोशिश करता हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ एक्सरसाइज। ये आपके रेयर डेल्स को टारगेट करने के लिए है, विच इज अ हाईली इग्नोर्ड एरिया बाय मोस्ट पीपल। इसके अंदर मैं एक फेस पुल एंड एक रेयर डेल्ट फ्लाई को कंबाइन करता हूँ यूजिंग जिमनास्टिक रिंग्स। अगर आपने कभी केबल मशीन या फिर पेग डेक वाली मशीन को यूज करके अपने रेयर डेल्स को टारगेट किया है तो इसका भी जो मूवमेंट पैटर्न है वो मोर ऑर लेस सिमिलर रहता है। जस्ट लाइक जो बॉडी रोज हमने किए थे, इसमें भी एक्सरसाइज को मुश्किल बनाना बहुत ही सिंपल है। अगर आप सिंपली एक स्टेप फॉरवर्ड लेके अपना इंक्लिन
कोऑर्डिनेशन कम कर देते हैं, ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। सो ऐसी डिफिकल्टी चूज कीजिए जिसमें आप इसको प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं, विच मीन्स ऊपर एक्सप्लोसिवली जाना, उधर जाके थोड़ा होल्ड करना एंड नीचे धीरे धीरे आना। सो इसके अंदर मैं अपने आप को किसी भी रेप रेंज के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, बिकॉज ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है एंड एक छोटे से मसल को टारगेट करा है, इसमें हायर रेप रेंज करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड फाइनली द फिफ्थ एक्सरसाइज इज फॉर योर बाइसेप्स। कुछ टाइम पहले तक मैं अपने बाइसेप्स के लिए एक बेसिक बाइसेप कर्ल करता था यूजिंग जिमनास्टिक रिंग्स, बट ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज विच इज द पेलिकन कर्ल्स मैंने इसी साल इंक्लूड करनी शुरू करी है। अब इफ यू नोटिस, इसमें जो मेरा हैंड का पोजीशन है वो मेरे बॉडी के पीछे है, विच मींस मेरा जो लॉन्ग हेड है बाइसेप का वो ज्यादा अच्छे से टारगेट होगा कंपेयर टू द शॉर्ट हेड, लेकिन ये पूरे ही बाइसेप की दोनों मसल्स को बहुत बढ़िया तरीके से टारगेट करता है। अब इस पूरे एक्सरसाइज का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है इसका नेगेटिव पोर्शन, विच इज जो इसेंट्रिक वाला पोर्शन है, उसको आपको एटलीस्ट 3 से 5 सेकेंड्स लेके नीचे आना चाहिए एकदम धीरे एंड कंट्रोल्ड तरीके से। ऊपर आप चाहें तो जा सकते हैं अगर आपके पास उतनी स्ट्रेंथ है, अदरवाइज आप एक नॉर्मल अपने लेग्स की असिस्टेंस लेके भी ऊपर आ सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज की मैं टेक्निक अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप फ्यूचर में चेकआउट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की मैं सिर्फ 3 सेट्स ही परफॉर्म करता हूं, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो जो मैं बॉडी रोज करता हूं एंड वेटेड पुलअप्स करता हूं, उन दोनों में ही मेरे बाइसेप्स काफी अच्छे तरीके से टारगेट होते हैं। देयरफॉर इन 3 सेट्स में मैं ट्राई करता हूं जितने रेपिटेशंस हो सके उतने करूं। सो गाइस दैट वाज इट फॉर माय पुल वर्कआउट। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बिकॉज ये यूजुअल पुल वर्कआउट की तरह नहीं था, एक कैलिस्थेनिक बेस्ड पुल वर्कआउट था, तो इसमें से कुछ एक्सरसाइजेस आपने हो सकता है ट्राई ना करी हो, सो मेक श्योर आप उनको ट्राई करें एंड अपनी वर्कआउट रूटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।